मीन राशि 2020 सितंबर का महीना कैसा रहेगा? तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपका कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ अद्वितीय जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कोई उपहार भगवान स्वयं आपके जीवन में देने वाले हैं। आपने सोचा होगा यदि कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा होगा कि मुझे 10 रुपये मिल जाएं, तो भगवान आपको 1000 रुपये दे देंगे। ये ऐसा ही है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की चेष्टा करी है। आपने जो नहीं सोचा होगा, ऐसा अद्वितीय उपहार, ऐसा अद्वितीय कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई रिलेशन भी हो सकता है, धन दौलत में वृद्धि भी हो सकती है, वो भी अद्वितीय तरीके की, अनएक्सपेक्टेड, और किसी भी तरीके का बड़ा अद्वितीय सा कुछ घटित होगा आपके जीवन में। और वो जो घटित होगा वो स्ट्रेट भगवान की ब्लेसिंग होगी, ये समझिएगा। वो प्रभु ने आप पर कृपा करी है, ये समझिएगा, क्योंकि वो अद्वितीय होगा, अनबिलीवेबल होगा। तो चाहे वो रिश्ता हो उसे पहचान लीजिएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो उसे पहचान लीजिएगा, अगर अद्वितीय बिजनेस में या जॉब में वृद्धि है तो उसे पहचान लीजिएगा, बस पहचान लीजिएगा। और एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, उसके लिए जाके प्रभु को धन्यवाद अवश्य अवश्य कीजिएगा कि आपकी कृपा से हमें ये चीज़ मिली है, क्योंकि ये दैवी कृपा से ही आपको ये उपहार इस महीने में मिलने वाला है। इसको रेलिश कीजिएगा, इसको संजो के रखिएगा और ट्रेजर कीजिएगा। तो बहुत सुंदर महीना है ये सितंबर का मीन राशि वालों के लिए। साथ ही आपका जो लकी कलर है वो आ रहा है ग्रीन एंड येलो, और जो आपका लकी नंबर है वो आ रहा है 5। तो बेस्ट ऑफ बेनिफिट्स फेच कीजिए। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।